मैं अकेले चीज से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को मार्गदर्शन करे इस सेमिनार के विषय पर, उनका क्योंकि मुझे विचार है जो आपको बताए। श्री अखिलेश जी नमस्कार। मित्रों अगर सोचा जाए और ध्यान से अगर इस चीज़ पर विचार विमर्श किया जाए तो हम पाएंगे कि राजनीति या इलेक्शन दुनिया के उन तमाम प्राचीन विधाओं में से एक है जो मानव के उद्भव के साथ अभी तक चली आ रही है। किसी न किसी तरीके से राजनीति या अपना वर्चस्व अपने समाज में कायम करने की प्रतिस्पर्धा लगभग हर समाज में, हर देश में काल और कालांतर में ये अवेलेबल रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की इस तारीख में हमें और सारे विषयों पे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक जानकारी मिल जाती है। स्कूल और कॉलेज के थ्रू हम उनका गहन अध्ययन करके अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं। हर देश में राजनीति होती है, चुनाव होता है। यही एक दुर्भाग्य का विषय है कि अमेरिका से लेकर इंडिया में तो राजतंत्र या आप ये पॉलिटिक्स बोलिए तो हजारों साल पहले से ये हो रही है। चाणक्य जैसे महान यहाँ पे राजनीति के गुरु या आप बोलिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट उस जमाने में पैदा हुए हैं। लेकिन विश्व के किसी भी मेरे ख्याल से भूभाग या विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन चुनावों का प्रबंधन, चुनावों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वोटर्स का पूरा स्टडी कैसे किया जाए और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे की जाए व्यवस्थित रूप में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लगभग पिछले 15-16 साल से, हालांकि बचपन से ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं एक्टिव रहा हूँ, लेकिन एक मैच्योरिटी आने के बाद, MBA के बाद 15-16 साल से मेरे मन में हमेशा ये कौतूहल रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था या पढ़ाई का सिस्टम क्यों नहीं है कि हम अपने उभरते हुए राजनेताओं को या इस्टेब्लिश पार्टियों को एक सही वैज्ञानिक और विश्वासपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकें। लगभग 14-15 साल से ही इस चीज़ का मैं अध्ययन करता रहा हूँ, डिफरेंट चुनावों को बहुत क्लोज वॉच करता रहा हूँ, पार्टिसिपेट करता रहा हूँ और एक रिसर्च स्कॉलर की तरह मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की। अब माहौल भी इज्जत आ गया, साथ भी आप सब लोगों का रमेश भाई का मिल गया है, तो एक बहुत ही बेहद रूप में इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह रहेगा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जो चुनाव होता है, स्पेशली अगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए, तो दुनिया का सबसे क्लिष्ट या टफेस्ट एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिशन ये है, जहाँ पे कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन की साइकोलॉजी को आपको मैनेज करना होता है, उनको अपने हिसाब से ढालना होता है। दूसरी चीज़ ये देखा जाए कि चुनाव के दरमियान में जो सारे डायनामिक्स होते हैं माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, वो इतनी तेज़ी से गतिशील होते हैं, मेरे ख्याल से इतना बड़ा बदलाव या शिफ्ट और इतनी गतिशीलता शायद किसी और इन्वायरमेंट या किसी और कॉम्पिटिशन में नहीं होता। सुबह मुद्दे कुछ और होते हैं, किसी और पार्टी की हवा चल रही होती है, शाम तक मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि लेटेंट लेवल पे जो ये डायनामिक्स होते हैं, वोटर को क्या चाहिए, उसकी मन स्थिति का विश्लेषण कैसे करें। एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बड़े से बड़े धुरंधर अनुभवी लोग, राजनेता लोग जिनको 50-50 साल का एक्सपीरियंस है, या टीवी चैनल वाले भी अगर देखा जाए जो एक्सपर्ट्स हैं, चुनाव के पहले जो लोग वो सर्वेक्षण करते हैं, अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं, ज़्यादातर चुनाव के बाद में सारी की सारी गलत साबित होती है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वोटर्स क्या चाहता है, वोटर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, इस चीज़ को भांपना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और यहाँ पे लोग गलती करते हैं। इन्हीं चीज़ों पे हमने स्टडी की है, इसका कुछ उदाहरण भी है कि बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया, जस्ट कुछ महीने के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, वही एक्सपीरियंस राजनेता थे, पैसे भी खर्च हुए, सोशल मीडिया भी हुआ, लेकिन दिल्ली में भी चुनाव हार गए। ठीक उसके बाद बिहार में चुनाव होता है, वही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, सारी चीज़ें वही थी, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी जो है चुनाव हार गई। ऐसा क्यों होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक राजनेता अभी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद चुनाव होता है तो उनकी सारी एनालिसिस या सारी रणनीति वहाँ पे फेल हो जाती है। यह एक सोचने का विषय है और इन्हीं माइक्रो सिस्टम्स पे इस पे अगर देखा जाए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मेरा कंक्लूसिव वर्ड ये निकलता है, सेंटेंस ये निकलता है कि
इलेक्शंस और मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी थिंग इट इज फोर्थ जनरेशन साइकोलॉजिकल और यू कैन से साइकोसोमेटिक वॉरफेयर यहाँ पे केवल प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया का यूज करना काफ़ी नहीं होता है यहाँ पे बहुत डीप लेवल पे मास का पब्लिक का आपको साइकोलॉजी समझनी होती है और उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कैसे अपने साथ उनको जोड़ा जाए इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को एक कहावत है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर छोटी छोटी सफलता मिलकर बहुत बड़ी सफलता में परिवर्तित हो जाती हैं तो जितने भी हमारे कॉन्टेस्टेंट आएंगे हम उनको यही बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करके आप नगर पालिका के चुनाव में या कोई और भी चुनाव हो साइलेंट वे में वोटर को अपने फेवर में कर सकते हैं हमारा जो उद्घोष वाक्य है सर हमारा जो लक्ष्य है वो यही है तैयारी जीत की मतलब कि हम लोगों ने इस पर हाईलाइट भी किया है हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि इस तरीके से प्रशिक्षण का ये प्रोग्राम किया जाए एक पार्टिसिपेटिव वे में कि आप केवल ये एक सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके जीत की तैयारी यहाँ से शुरू होती है और दूसरा हमारा उद्घोष है कि लड़ो तो जीत के लिए उसका एक कारण है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल इवेंट में अगर आप चुनाव लड़ते हैं कोई कैंडिडेट आपके पैसे खर्च होंगे आपका टाइम भी खर्च होगा और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है कि जहाँ पे अब हाई स्कूल इंटर या आईएएस में तो एक से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन इलेक्शन एक ऐसा कॉम्पिटिशन है सर जहाँ पे आप कितने भी बेहतर हो केवल एक ही कैंडिडेट पास होता है बाकी हजारों कैंडिडेट फेल हो जाते हैं एक के साथ दूसरा पास नहीं होता तो जब भी आप चुनाव लड़ते हैं समय पैसा मेहनत तो बेकार जाता ही जाता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगले 5 सालों तक आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है एक बार 5 साल में ये मौका मिलता है इसको बहुत अच्छी तरह